जय श्री श्याम दोस्तों, आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी का इतिहास। दोस्तों, जन्माष्टमी का इतिहास शुरू होता है श्री कृष्णा के मामा कंस के अंत से। धर्म ग्रंथों की माने तो जब श्री कृष्णा जी ने बाल्य अवस्था में अपने मामा कंस का वध किया तो लोगों को यकीन हो गया कि ये बालक सामान्य नहीं है, ये बालक कोई अवतार है, और लोगों ने उनकी भक्ति करना शुरू कर दी, लोगों ने उन्हें भगवान मानना शुरू कर दिया। श्री कृष्ण जी का जन्म श्रावण मास की कृष्ण अष्टमी को हुआ था, जिसकी वजह से इस दिन को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाने लगा। इस साल हम 7 सितंबर दिन गुरुवार को पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाने वाले हैं। इस दिन को लोग बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत, अंधेरे के ऊपर प्रकाश की जीत, ये मानकर इस दिन के उत्सव को मनाते हैं। जब प्रजा कंस के अत्याचारों से बहुत ज्यादा परेशान थी, उस समय उनके पास कोई रास्ता नहीं था, सारी प्रजा अंधकार में थी, तो श्री हरि विष्णु ने देवकी माता के गर्भ से जन्म लिया उनके 8वें पुत्र के रूप में, और कंस का वध किया, और उनके जो भी दुख थे, संकट थे, सब उन्होंने दूर किए। वैसे तो श्री कृष्णा अगर गोकुल की बात करें तो गोकुल में उन्हें कान्हा कहा जाता है। वैसे तो कान्हा जी बचपन से ही नटखट थे, गोपियों को परेशान करना, उनकी दही हांडी फोड़ना, माखन चोरी करना, इसके साथ ही साथ बचपन से ही कान्हा जी तमाम लीलाएं करते थे। उनकी ये वो अद्भुत लीलाएं और वो मनमोहक दृष्टि, मुस्कान, ये शुरू से ही लोगों को घायल करती आई है। और जब श्री कृष्ण जी ने बाल्यावस्था में अपने मामा कंस का वध किया, पूरी प्रजा को उनके दुख संकट से मुक्ति दिलाई, तो लोगों को यकीन हो गया कि यही पालन हार है, यही श्री हरि विष्णु के अवतार है, यही भगवान है, और लोग उनकी भक्ति में रम गए। वैसे तो जन्माष्टमी को मनाने के सबके अपने अपने तौर तरीके हैं, क्योंकि हमारे कान्हा जी है ही ऐसे, जिसके मन में जैसा भाव वो उसे वैसा ही स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन सामान्य तौर पे हम जो पूरे भारत में इसका उत्सव मनाते हैं, उस दिन सुबह उठकर सबसे पहले अपने घरों के मंदिरों को साफ किया जाता है, कुछ लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, कुछ लोग दही हांडी का उत्सव करते हैं, जिसमें थोड़ी सी ऊंचाई पर दही हांडी बांध दी जाती है और लड़कों का समूह उस दही हांडी को फोड़ने की कोशिश करता है। मंदिरों में चारों तरफ चहल पहल होती है, जगह जगह श्री कृष्णा जी की लीलाओं का पाठ हो रहा होता है, लोग श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करते हैं, उनके विचारों को सुनते हैं और सुनाते हैं, और इस प्रकार ये दिन मनाया जाता है। कान्हा जी के चमत्कारों का कोई अंत नहीं है और ना ही उनके लीलाओं का कोई अंत है, लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है कि अब जिस भाव में
उन्हें आप स्वीकार करो, वो उस भाव में आपके लिए राजी है। ऐसी ही कहानियां मैं आपके लिए लाता रहूंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। श्री कृष्ण, श्री श्याम, श्री बांके बिहारी आप सबके ऊपर अपनी कृपा बना के रखें, और जो भी दुख संकट आपके जीवन में हो, इस जन्माष्टमी को वो सारे दुख सारे संकट वो आपके हर लें, आपके जीवन में सुख समृद्धि खुशियाँ इन चीज़ों का संचार करें। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।